जल्दी से जाके मोमोज खा के आता हूँ। अरे यार मैं परेशान हो गया इस खटारा साइकिल से। साली यार रोज धोखा दे जाती है। एक काम करता हूँ, जाके मम्मी पापा से बोलता हूँ कि मेरे को नई बाइक दिलाते हैं, पता नहीं वो मान जाए। पापा तो नई बाइक कब ले रहे हो? साइकिल बहुत पुरानी हो गई है, बार बार पंचर हो जाती है वो। यार पंचर हो जाती है तो उसको बनवानी पड़ती है, नई बाइक थोड़ा खरीदी जाती है। मम्मी आप पापा को समझाओ ना, ये मेरी बात सुनते ही नहीं है। बेटा पापा मेरी काम सुनते हैं, एक महीने से कह रही है मेरे को सोने के जेवर दिला दो, सुनते ही नहीं है। अरे मम्मी मैं अपनी बाइक की बात कर रहा हूँ, आप बीच में जेवर की बात क्यों ला रहे हो? एक काम करता हूँ, आज ना खाने का नाटक कर लेता हूँ, मम्मी पापा इमोशनल हो जाएंगे। मम्मी पापा जब तक मुझे बाइक नहीं मिलेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बता तेरी रोटी कैंसिल कर दो ना, मुझे भी ना कम आटा सानना पड़ेगा। आटा कम क्यों सान होगी, इसके हिस्से की रोटी मैं खा लूंगा, मजा आ जाएगा। अगर मुझे आज बाइक नहीं मिली तो मैं छत से जाके कूद जाऊंगा। मैं छत से कूदने जा रहा हूँ। मैं कूद रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए कोई आएगा? क्या बात, डर गया? नहीं नहीं डरा थोड़ी ना हूँ, वो तो मैंने सोचा क्या हो बाइक बाइक के लिए अपनी जान दूं, एक दिन खुद अपनी कमाई से बाइक खरीदूंगा, वो भी महंगी वाली। साला पूरा शोरूम खोल दूंगा बाइकों की। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा पापा वो जो बगल में शर्मा जी हैं वो तो आपसे छोटी पोस्ट पे हैं, फिर भी उन्होंने महंगी गाड़ी खरीद ली है। क्या उन्होंने गाड़ी खरीद ली है? हाँ और क्या, और आपको वो चिढ़ाएंगे भी। अब तो मैं भी गाड़ी खरीदूंगा, उससे महंगे वाली खरीद के मैं उसको चिढ़ाऊंगा। पापा हाथ भी दबा दूं? हाथ दबा दे, हाथ भी दबा दे। पापा मैं सोच रहा था KTM, BMW, Duke इन सबसे महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं। पापा सो गए क्या? गाड़ी कब खरीदोगे आप? टन टन, ये लो लॉटरी के टिकट, इसमें से एक चुन लो, अगर हमारी लॉटरी लग गई तो हमारी बाइक भी आ जाएगी। अरे पापा शर्मा जी की लॉटरी थोड़ी ना लगी थी, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी सेविंग के पैसों से खरीदी थी। ऐसे तो आप कभी बाइक खरीद ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाएंगे? अगर कुछ पैसे घट रहे हैं तो मैं मायके से मंगा लूंगी, बहुत पैसे है वहाँ। नहीं आपको पैसे मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देता हूँ, ये लो, कम पड़ेंगे तो मिला लेना। 10 रुपए? 10 रुपए में तुड़तुड़े आते हैं। बेटा ये 10 रुपए रख तू अपने पास, 10 रुपए में बाइक आती तो मैं शोरूम खोल देता। रुक आज मैं कोई ना कोई जुगाड़ कर बाइक लेकर ही आता हूँ। देखता हूँ पापा। अब मेरे जेवर? अरे वो सब छोड़ो मम्मी, मुझे तो लगता है पापा बाइक ले ही आएंगे। मुझे घुमाएगा ना उसमें? हाँ। ओए गगन तेरी बाइक आ गई क्या? और तो फोन में कर क्या रहा है? भाई तुझे मैं आज एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है बिनोमो, जो एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। अच्छा। हाँ और तुम इसमें अलग अलग एसेट में ट्रेड भी कर सकते हो, जैसे एप्पल, गूगल और फॉरेन करेंसी जैसे US डॉलर, यूरो, और तुम्हें इसमें 90% का प्रॉफिट भी मिलेगा। बहुत बढ़िया यार। हाँ और इसमें कोई भी एसेट सजेस्ट करना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। भाई तुझे मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, ये देख मैंने 700 रुपये लगाए कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देख ये देख ये देख ये देख, मेरा फोरकास्ट सही निकल गया। अच्छा भाई ये बता ये पैसे हमारे पास कैसे आएंगे? अरे भाई पेटीएम बैंक जिससे मर्जी उससे निकाल ले, और इसका मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपए, और अगर तू मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा तो तेरा डिपॉजिट किया अमाउंट डबल हो जाएगा, यानी अगर तू 350 रुपए का टॉपअप करता है तो 700 रुपए मिलेंगे। अच्छा ये बताइए डाउनलोड कहाँ से करूँ? अरे भाई मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अगर तू वहाँ से डाउनलोड करेगा तो तुझे 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में मिलेंगे, और डिफरेंट स्ट्रेटेजी अलग से, जिससे तू ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकता है। अच्छा भाई अभी डाउनलोड करता हूँ। और ना मेरे पापा बाइक लाने ही वाले हैं, आ रहे होंगे, रास्ते में ही होंगे। चल भाई मैं भी सुसु करके आना, तब तेरे पास आता हूँ। ठीक है ठीक है भाई। और पापा अभी तक बाइक लेके नहीं आए, एक काम करता हूँ मम्मी को बुला लाता हूँ अंदर से। मम्मी कितनी देर हो गई है, अभी तक पापा बाइक लेकर नहीं आए हैं। तो परेशान ना हो, आते ही होंगे। हेलो, अरे भाई मेरे घर के पास आजा, मेरे पापा ना आज नई बाइक लेके आ रहे हैं। भाई मुझे भी चलाने दोगे ना बाइक? अरे पहले आने दो बाइक को। और बेटा मुझे भी नई बाइक पे बैठा कर शॉपिंग ले जाएगा ना, और फिर नानी के यहाँ भी नई बाइक पे जाएंगे हम लोग, है ना? अरे मम्मी पहले बाइक को तो आने दो, पता नहीं पापा हमारे साथ प्रैंक कर रहे हो। तो मम्मी फाइनली मेरी बाइक आ गई। पापा आप बाइक चला के क्यों नहीं लेकर आए हो, पैदल क्यों लेके आ रहे हो? अरे बेटा मेरे पैर से नई बाइक गंदी ना हो जाए इसलिए मैं पैदल लेके आया हूँ उसको। सच सच बोलो ना कि आपको बाइक चलानी नहीं आती है। पापा आपको बाइक चलानी नहीं आती? कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। तू रहने दे अंकल, आप चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगा। अबे चुप कर, मैं सिखा दूंगा। साले जब पुरानी गाड़ी थी तब क्यों नहीं सिखाया? अब नई गाड़ी आई है, मैं सिखाऊंगा पापा को। तुम दोनों रुक जाओ, पहले मुझे पूजा कर ले दो बाइक की। ठीक है अम्मी, कर ले पूजा जल्दी से, फिर मैं चलाने जाऊंगा बाइक को। अरे मम्मी ये क्या किया आपने? पापा उठो ना। बेटा मैंने तो नारियल फोड़ा था, पता नहीं इनकी टांट कैसे फूट गई। अरे मेरी BMW कहाँ गई? पापा आपने BMW भी खरीदी है क्या? कहाँ है BMW? कौन सी BMW? मैंने ये KTM बाइक खरीदी है। अच्छा पापा रुको, मैं ना बाइक को टेस्ट करके आता हूँ। अरे बुक्कड़ गई का, अभी तो नाश्ता किया है, अब गाड़ी चाटेगा तू? अरे मम्मी टेस्ट का मतलब बाइक चला के आता हूँ, राउंड लगा के। भाई मैं भी चलूंगा तेरे साथ। हाँ चल भाई। ओ भाई साहब थोड़ा नीचे उतरना भाई, मुझे ना टॉयलेट करना है। ठीक है भाई। ओए साला धोखेबाज बीच रोड पे अकेला छोड़ के भाग गया। नई बाइक है KTM। तो क्या करूँ, पूजा करूँ इसकी? अरे नहीं, पूजा तो मम्मी ने कर दी है। पीछे बैठ जाओ, गोलगप्पे खिला के लेके आऊंगा, मोमोज भी खिला दूंगा। ऐसा चमाट मारूंगी ना पूरा चेहरा गोलगप्पे जैसा हो जाएगा। ओ पापा मुझे गाड़ी दिखा रहा था जिसके घर में खुद BMW की लाइन लगी है। ये गगन और रोहित पता नहीं कहाँ चले गए हैं बाइक लेके। अबे जल्दी लेके आए तो मैं भी जरा बाइक चला के देखूंगा कैसी चलती है। पता नहीं कहाँ रह गए। तू गाड़ी को धक्का मार के क्यों ला रहा है? अच्छा इसीलिए कि गाड़ी गंदी ना हो, है ना? अंकल एक नंबर का धोखेबाज है, ये मेरे को रोड पे अकेला छोड़ाया। पापा ये भी ना बिना नहाए मेरी बाइक पे बैठ गया था तो मैंने उतार दिया इसलिए। अच्छा फिर ठीक है तूने। अच्छा चल ठीक है भाई, मैं घर जाके नहा के आता हूँ, फिर मेरे को चलाने देगा ना बाइक? हाँ ठीक है, जल्दी से तू नहा के आ, फिर पूरे दिन के लिए बाइक ले लेना, आराम से चलाना, ठीक है? अच्छा ठीक है फिर। चल हट बेटा, अब मैं चलाता हूँ गाड़ी को। अरे इसकी किक कहाँ है? किक? पापा किक नहीं, बटन होता है, बटन दबाओ फिर स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। अरे बेटा ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पापा लगता है ना तेल खत्म हो गया। 2000 रुपए दे दो, मैं तेल ले आता हूँ। पापा 2000? बेटा इतना तेल कब से महंगा हो गया? पापा वो ना नई बाइक है ना, तो जो डायरेक्ट दुबई से तेल आता है वो डलवाऊंगा इसमें, इसलिए थोड़ा महंगा है। दे दो आप 2000 रुपए दे दो, डलवा के ले आता हूँ। एक काम कर बेटा, मेरे पास 2000 नहीं है, ये 1000 रुपये है, जा तेल डलवा ला। अलावा बाइक दे दो। अरे नहीं नहीं, बाइक गंदी रहेगी, जाके 1000 रुपये का तेल बोतल में लेके आ जा। जब तक मैं इसकी फोटो खींच के इसका स्टेटस पे डालूंगा। अब मैं 900 रुपये रखूंगा अपनी जेब में और 100 रुपये का लेकर आऊंगा तेल। हा? ये किसका फोन आ गया? ओह शर्मा जी, हेलो शर्मा जी, अरे मैंने तुमसे अच्छी बाइक खरीदी है। कौन सी? KTM, पूरे 2 लाख रुपए की खरीदी है, 2 लाख रुपए की। लेकिन मेहता जी मैंने तो कोई गाड़ी नहीं खरीदी है। क्या तुमने कोई गाड़ी नहीं खरीदी? नहीं नहीं। इसका मतलब गगन ने मेरे से झूठ बोला और मेरा 2 लाख का नुकसान करवा दिया। आने दो साले को, आज मैं उसकी हड्डियां तोड़ूंगा, हड्डियां। अब मैं हर रोज 100 रुपए का तेल लेकर आऊंगा, पापा से 1000 रुपए लूंगा, 900 रुपए हर रोज बचेंगे और मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा बाइक की खुशी में। पापा मैं तेल ले आया और आप ये डंडे लेकर क्यों खड़े हो? क्या हुआ बाबा, आपने थप्पड़ क्यों मारा मुझे? तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझसे झूठ बोला कि शर्मा जी ने बाइक खरीदी है। उन्होंने कोई बाइक नहीं खरीदी, मेरी अभी उनसे फोन पे बात हुई है। बाबा लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, शर्मा जी ने बाइक खरीदी है, इससे भी महंगी बाइक खरीदी है उन्होंने। बाबा चुप कर दो, बाप से झूठ बोलते हुए तेरे को शर्म नहीं आती? मेरी अभी शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने कोई बाइक नहीं खरीदी है। बेशर्म नकारा नालायक लड़के। अब मैं फंस गया, क्या करूं? पापा ये देखो रोहित आ गया, आप इससे पूछ लो, इसको पता है शर्मा जी ने बाइक खरीदी है। बता ना बे। ओए शर्मा जी ने बाइक ली है क्या? कौन शर्मा जी? वो तो मेरे पापा है। अगर मेरे पापा ने मेरे को बाइक दिलाई होती तो मैं इससे थोड़ा बाइक मांगता, अपने पापा की बाइक में घूमता। अबे आग क्यों मार रहा है? तुझे क्या हो गया? साले तू मेरे को बेवकूफ बना रहा है, अपने बाप के साथ 420 कर रहा है। तेरी तो मैं रुको रुको रुको, हाँ। इसे पकड़ो। हाँ। जाता है। जैसे तैसे करके मेरी KTM बाइक तो आ गई, लेकिन मैं उस दिन बहुत पीटा गया और मेरे साथ साथ मेरा दोस्त भी पीटा गया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना अपना फेवरेट पार्ट, और आपके घर में सबसे पहली बाइक कौन सी आई थी, कैसे आई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।